अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज नजवा में हमारा लास्ट डे है, तो बस ये होटल चेकआउट किया और भूख शूख का लगी हुई थी, हल्का फुल्का हमने कहा नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते के कैफ़े में गए, वहाँ पे हमने अरेबिक शर्मा खाया। अरेबिक अच्छा सा, अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, लाइट सा था। ये मैंने एक्सपोज किया, ये आप आशी उमान के सबसे बड़े चैनल्स में से एक है और 2006 में यूनेस्को की आलमी सकाफती विरासत के तौर पर इसको एजाज दिया गया था। ये बहुत खूबसूरत पार्क है और इसमें काफ़ी तरह के आपको फूल और सायादार दरख्त होंगे। बच्चों के लिए तो उन्होंने राइड्स वगैरह लगा दी हुई हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं पिकनिक वगैरह के लिए। और ये वो फ्लाज है जो आपाशी के लिए यूज़ होता है। ये पीछे से पानी आ रहा है जो अभी भी कुछ हिस्सा इन्होंने अभी तक खोला हुआ है। बस यहाँ से हम निकले तो हमने कहा अलहुता केव चलते हैं। अलहुता केव के बारे में मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये जो केव की लेंथ है वो 860 meters है। और ये यहाँ के फ़र्स्ट टाइम यहाँ के लोकल्स ने 100 साल पहले दरियाफ्त किया था और 2006 में इसको गवर्नमेंट ने टूर के लिए ओपन किया, इस पे काम होता है। इसमें 100 से ज़्यादा एनिमल्स हैं, 100 से ज़्यादा तरह के एनिमल्स मौजूद हैं। और तो हम यहाँ पे पहुँचे थे, इसकी 7 रियाल टिकट थी लेकिन हम नहीं जा सके क्योंकि अंदर एक ट्रेन जाती है जिसमें आप बैठ के अंदर केव की सारा एक्सप्लोर करके आ सकते हैं, लेकिन वो ट्रेन ख़राब थी जिसकी वजह से हम नहीं जा सके। पैदल जा सकते थे लेकिन अनाया के साथ 45 मिनट्स की वॉक करना मुश्किल। बस जी, फिर हम वापसी की तरफ निकले। रास्ते में ये तानूफ के खंडरात आए जिन पर अंग्रेज़ों ने 1950 की दहाई में बमबारी की थी। जबल अख्तर के दामन में भागे आई, ये एक पुराना गांव होता था। बस इसके साथ एक सड़क नीचे जा रही थी, हमने कहा उधर चल के देखते हैं क्योंकि हमने जब गूगल पे सर्च किया था तो देखा था वाटरफॉल है, काफ़ी पानी वगैरह है, लेकिन हम जब गए तो सड़क काफ़ी ख़राब थी और जहाँ तक हम गए वहाँ पे पानी वगैरह नहीं था। शायद गर्मियों में आता हो यहाँ तक। तो ये इसकी बैक साइड का पीछे का हिस्सा है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे, पिकनिक वगैरह कर रहे थे, चीज़ें बना के लाए हुए थे, बारबेक्यू वगैरह। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।